बीच नैया तुम्हारे सिवा है न कोई खेवैया, तुम्हारे सिवा है न कोई खेवैया। कृपा कर के नाथ इज्जत
जिनमें वर्तमान
मौजूद आता सर सतगुरु की शरण मिल जाए तो ये तुम्हारा दूसरा जन्म। एक जन्म माँ बाप से संसार के लिए, दूसरा जन्म परमार्थ के लिए गुरु के यहाँ जो नाम दान मिला है ये दूसरा जन्म, इसी को दुजन्मा कहते हैं। देखिए दोनों जन्म आपके सार्थक हो जाए, सतगुरु दयाल ने वो युक्ति आपको दिया लेकिन आपने उन्हीं पर विश्वास नहीं किया, उन्हीं को भूल गए हो। तो आगे क्या लिखा कि राम कथा के क्षेत्र में आता जिनको सत्संग प्यारी ये सुनने सुनाने वाले बेचारे सत्संग जानते हैं, इनको सत्संग की महिमा नहीं मालूम है। देखो कितनी बड़ी बात, पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान हमें सच्चा लाभ कहाँ मिलेगा, मैं मंदिर जाऊं कि मस्जिद जाऊं कि गंगा ना हो कि तीर्थ व्रत हवन जब तक यज्ञ पूजा पाठ तक। भगवान शंकर कह नहीं पार्वती, ये शरीर इंद्रियों की पूजा है, ये शरीर तक सीमित, शरीर नाशवान एक दिन खत्म हो जाएगा, तुम्हारी पूजा ही रह जाएगी, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए अगर सच्चा लाभ चाहती हो तो संतों के समागम में चली जाओ। भगवान शंकर ने क्या सलाह दिया है कि गिरजा संत समागम और समन लाभ कछुआ क्या लिखा है
कि जो जाना वो इस सत्संग तो गुरु के वचनों में वो लाभ है जो चार वेद छह सात 18 पुराणों के सुनने में भी लाभ है। कितने सौभाग्यशाली आपको समय के वचन काल माया के देश से बचाने वाले मिल गए, लेकिन आपने वचनों को संभाल के नहीं और आप उसी संगत में चले गए। धर्मशास्त्र भी बराबर इशारा करते हैं, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम और निश्चल तत्वे जीवन मुक्ता। अगर जिंदगी से मुक्त होना चाहते हो, आवागमन से रहित होना चाहते हो, जन्म मरण से छुटकारा चाहते हो, काल माया के देश से निकल कर अपने घर जाना चाहते हो, तो ये संतों का सत्संग ही करेगा और ये लाभ कहीं नहीं मिलेगा। यह सब लिखा पड़ी तुम्हारे घर में, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। जब पुरानी गई समय में तो हमारी कैसे जो 550 वर्ष लगभग गोस्वामी महाराज ने रामचरित मानस लिखा और हर हिंदू के घर में लिखवा के रखवा दिया और उसका समाज में अखंड पाठ भी हो रहा और लेकिन समझ में किसी के कुछ नहीं आ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर यह सब क्योंकि वस्तु धरी कम और है और खोजब तुम कम और, जब वस्तु के भेदी मिले तो पावे ठोक कर ठोक। जब तक भेदी माने जानता नहीं मिलेगा और नाम धन का खजाना आपके हाथ में नहीं लगेगा। इसलिए महापुरुषों ने कलयुग के जीवों को बचाने के लिए सत्संग को प्रमुख रखा। क्या कहा है? ये सत्संग है एक गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की छुटा की पाप कर्मों की इथुला
शाकाहारी बन जाओ। मन की एक भी गंदी आदत तुम्हारी खत्म नहीं हो पाई।
फिर मथुरा जाने का, दर्शन करने का, सत्संग सुनने का, सेवा देने का, सेवा करने का और प्रचार करने का और गुरु से नाम ना लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का मतलब क्या निकला? यानी सब झूठा सब होता। इसलिए सतगुरु दयाल बार बार प्रश्न करके पूछ रहे हैं, बड़े प्रेम से क्या दे रहे हैं कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते, मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बान। कितने प्यार से पूछ रहे हैं, कितनी हमदर्दी है। अरे मन, तुझे सतगुरु दयाल का सत्संग करते करते कितना समय निकल गया। तूने अपनी पुरानी बाग माने आदत, कोई गंदी भोगों की तरह भगने वाली आदत को कब नहीं किया। आगे क्या कह रहे कि कब लग करो कुटी लता गुरु से, मन अब छोड़ पुरानी बान, अब छोड़ पुरानी बान। समझा के कह रहे हैं सतन मन, तू सतगुरु दयाल से कब तक कपट करता रहेगा? जो अंतर्यामी घर घर वासी जले जले रोम रोम को जाने इस धरती के कंकड़ को देख रहा है, मृत लोग से सत लोग तक सारे मुकाम मंडल लोगों को जानता है, ऐसे संगत मालिक से तू कब तक कपट करेगा? क्यों नहीं उनको जान मान पहचान लेता? क्या कह रहे कि गुरु को तुम मानो से मत जानो, मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी। तू संगत मालिक को मनुष्य मानता है, गुरु को मानुष मानते ते मृण कहिए अंध रहे सदा भक्तों में छुटे ने जन के पंथ। जिन्होंने गुरु को मनुष्य माना है वो अंधे हैं, वो भाषागत से छुटकारा कभी नहीं पाएंगे। गुरु एक परमात्मा पावर है जो मनुष्य रूपी कोल पर बैठकर शक्ति का इजहार करता है। गुरु अगोचर छिपी हुई शक्ति जगह जगह में काम करती। कहा तू मनुष्य मानता है, अरे तेरी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए गुरु ने मानव तन धारण किया, क्योंकि बार हमारी आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में बैठी इसलिए मानव तन धारण किया, और किसी शरीर में आ जाते तुम बोली भाषा नहीं समझ पाते। आगे क्या कहें कि जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, अधर पर तीत धरो न ध्यान, अधर पर तीत धरो को सुना सुना के सेवा में लगा करके नाम का सुमरन ध्यान भजन करा जैसे हो वैसे इस सतन मन को लगी। ये बाजी अगर राजी हो जाए तो जीवात्मा को निकलने में दे दे। आगे क्या कह रहे कि दया में बचन सुना, दया में हर से
जीवात्मा फंसी पड़ी है तीन गरीबों से कालमाया के जाल में,
ये निकल नहीं सकेंगे। आगे क्या कह रहे कि जल्दी करो कपट को छोड़ो, जल्दी करो कपट को छोड़ो, श्रद्धा भाव बढ़ाओ, श्रद्धा भाव बढ़ाओ, जल्दी करो कपट को छोड़ो। कलियों में समय बहुत कम है, 100 वर्ष का समय आपको मिला शरीर, किसी के 40, किसी के 50, 60, 70 दिन। अब कितना शेष समय तुम्हारा शरीर में रहने का, परिवार में फंसने का, मोह ममता स्वार्थ लोभ में जकड़ने का कितना समय है? कहा जल्दी करो कपट को छोड़ो, महापुरुष से श्रद्धा सेवा भाव पैदा करो, वो तुम्हारा काम सहज में कर देंगे। आगे क्या कहें कितने पर मन कहा न माने, कितने पर मन कहा न माने, तो फिर अपनी तू ही जान, तो फिर अपनी तू ही जान। बुझाने पर, सत्संग सुनाने पर, सेवा में लगाने पर, सुमरन ध्यान भजन करवाने पर भी अगर तुम्हारा नहीं मानता तो समझो इस पर काल का पूरा पहरा है, ये भी काल के पहरे में जकड़ा। बाबा जी ने क्या कहा था, जो नहीं माने हुक्म हमारा उनके मन को काल संभाला, जो मेरे हुक्म आदेश को नहीं मानेगा ना विश्वास करेगा, अपना आदेश चलाएगा अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए, कहा बच्चा ये काल के जीव है, इनसे बहुत समय कर रहना। ऐसे कितनी बार आपको कितना समझा लेकिन आपकी समझ नहीं आया कि लगा रहेगा संग गुरु के, लगा रहेगा संग गुरु के, सहज सहज तेरो मन मान, सहज सहज तेरो मन मान, हुक्म आदेश का पालन करता रहेगा, परमार्थी सेवा में लगा रहेगा, सुमरन ध्यान भजन करता रहेगा, तो एक न एक दिन तुम्हारा ये शैतान मन अवश्य मान जाएगा। और आप इसको नहीं किसी से बना सकते, कोई गोला बारूद दिखा के डरने वाला नहीं है, आप नहीं बना सकते। इसलिए क्या कहें कि सत्य गुरु स्वामी कहे समझाए, सत्य गुरु स्वामी कहे समझाए, राधा स्वामी कहे समझाए, राधा स्वामी कहे समझाए, ऐसे जीव हो हैरान, ऐसे जीव हो हैरान, अब छोड़ जिनको सतपुरुष अनामी महाप्रभु जीवात्माओं को मालिक बना के भेजता है, वही जीवात्माओं को जगाता है और नाम रोड शब्द रोड पकड़ाता है और अपने नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाता है, वो समय का राधा स्वामी ही कहता है। सतगुरु स्वामी कहे समझाई, बार बार समझा कर इशारा करके चेतावनी देकर प्रमाण प्रस्तुत करके बार बार समझाते हैं, जो सदगुरु के वचनों को नहीं मानता वो जीव काल माया के देश में हमेशा हैरान और परेशानी रहती। देखिए किस तरह से प्रेमी और संत महापुरुष जब जब मृत्यु मंडल पर आए उन्होंने जीवात्मा को जगा लिया, उसको उसके घर पहुंचाने का ही वादा किया, ऐसे नहीं वादा किया, कहा मैं अजर अमर देश से आया हूं, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा दूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं, जब तक मैं
चले गए, अपने सतगुरु दयाल के वादे को भूल के चले गए। इसलिए मृत लोक मंडल में उनके आने का एक ही कारण है, जीवात्मा जगाना परमात्मा से। अब अपनी जीवात्मा से किस तरह के समझा के क्या कह रहे हैं, जब सतगुरु पूरा आएगा
नाम का धाती का, ये नाम जिससे अमीर सुता है, सत्र अमीर प्रिय निरंतर झुमे अधर मजारी। जब तुझको नाम का आधार पकड़ा लेंगे और नाम से अमृत रस चूता जो तेरा भोजन है, जब तुझे तेरा भोजन मिल जाएगा तब तू जीवात्मा बलवती हो जाएगी, अपने घर की तरफ चल पड़ेगी। आगे क्या कह रहे हैं कि तुमको और किसने किसने फंसाया, बिल्कुल खोल के कहेंगे। सत्य कहने में संत महापुरुषों को कोई डर भय नहीं होता। क्या कह रहे हैं कि पंडित काजी बेकस के सब, पंडित काजी बेकस के सब, अटक रहे हैं जग जग में, अटक रहे हैं जग जग में। कहा ये पंडा पुजारी, ये मुल्ला मौलवी और ग्रंथी पादरी, ये सब अटके भटके पड़े, सब स्वार्थ लोभ लालच काल माया के सामान में जकड़े पड़े। ऐ जीवात्मा, इनसे तेरा उद्धार कल्याण नहीं होगा। क्या कह रहे इनके संग कितना समझा के कह रहे हैं कि ये तो भूल आसो में, ये तो भूले विषय वास में, धर्म धस इनकी रग रग में, धर्म धस रग संत मिले नहीं तुमको, धर्म संत मिले नहीं तुमको, पूरा नहीं मिलेगा तो अपने प्रकाश में चेतन अखंड देश को कभी नहीं जा सकती। लोगों किस तरह से समझा, ये हमदर्दी है, ऐसे हमदर्दी, ऐसे सुचिंतक, ऐसे रहवर रहनुमा, ऐसे सहयोगी जब तुम्हें मिल जाएंगे तब ये जीवात्मा का कल्याण होगा और मानव जीवन तभी आपका साथ होगा। इन लोभी लालचियों से काम होने वाला नहीं है। आप कोई बच्चों को पकड़ के रखना चाहिए, लेकिन आपने तो कोई सत्संग बच्चों को पकड़ के रखा नहीं, इसीलिए आप सब धोखे में चले गए। जय